इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को होने वाली उपचुनाव मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। वहीं मतगणना के लिए 300 पुलिसकर्मी का अतिरिक्त बल भी लगाया गया है। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पूरी मतगणना स्थल पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की मतगणना को लेकर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आज डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया और कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं मतगणना के लिए 2 हॉल बनाए गए हैं और स्टेडियम के चारों तरफ के मार्ग को पुलिस ने प्रतिबंधित कर दिया है। स्टेडियम में सिर्फ एंट्री पास के द्वारा ही स्टेडियम के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में मतगणना स्थल पर पुलिस बल के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो सीसीटीवी के माध्यम से पता लगाया जा सकेगा। वहीं इसके अलावा पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ आने वाले सदस्य को भी बगैर पास के एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं डीआईजी के साथ एसपी विजय खत्री ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ स्टेडियम का मतगणना से पहले आज दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। कल मतगणना हो रहा है, नेहरू स्टेडियम में क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए? कल 10 तारीख को नेहरू स्टेडियम में मतगणना किया जाना है। उसके लिए मतगणना स्थल के आसपास 100 मीटर के दायरे में पूरी तरह से वाहनों का आवागमन रोका जा रहा है। तो उसके लिए सभी जगह से रास्ते बैरिकेड करके बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर नेहरू स्टेडियम में 3 गेट हैं, इसमें से 1 गेट से एंट्री मतगणना के लिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं ड्यूटी पर उनके लिए रहेगी। दूसरा गेट जो जिमखाना की तरफ से, वहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं उनके अभिकर्ताओं एजेंटों के लिए एंट्री रहेगी। और तीसरा जो गेट है मुश्ताक अली गेट, वहाँ से मीडिया कर्मियों के लिए एंट्री रहेगी। इस तरह से 3 गेटों को अलग अलग किया गया है और हमने पुलिस की 3 स्तरीय व्यवस्था लगाई है, आउटर पर, गेटों पर और उसके आंतरिक मतगणना के दोनों हालों में। इस बार मतगणना 2 हाल में की जा रही है, दोनों हालों में 7-7 टेबलें लगाई गई हैं, जिस वजह से कि मतगणना जल्दी पूरी हो सके। और हमारी तरफ से पुलिस की तरफ पूरी व्यवस्था लगाई गई है और किसी भी एजेंट को और मीडिया कर्मी एजेंट को और शासकीय कर्मचारियों को मोबाइल ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए किसी को मोबाइल नहीं ले जाने देंगे। मीडिया कर्मियों को भी उनके लिए जो स्थान निर्धारित है वहीं तक उनको रहने की अनुमति रहेगी, इसके अलावा इधर उधर नहीं लेने दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे क्या बल लगाया गया है? कुछ सीसीटीवी कैमरा और बल, टोटल जो बल लगा है वो सही जानकारी तो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें 2 एडिशनल एसपी और 7 या 8 राजपथ श्रेणी के सीएसपी रैंक के अधिकारी और करीब 20 टीआई और उनके साथ 400 या 500 का बल लगा है। सर जनप्रतिनिधि के साथ कितने लोगों को अनुमति दी गई है? सब कुछ कार्ड जनप्रतिनिधि के साथ कितने लोगों को अनुमति दी गई है या दी जानी है, ये सब निर्धारण रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। उनको उनके द्वारा पास जारी किए जाएंगे और वो पास में दिखाएंगे तभी हम उनको एंट्री देंगे। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट।